दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपिक्स टीचर पर। दोस्तों ट्रायंगल की सिलेक्शन नंबर 37 में आपको बताऊंगा यदि त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करें तो उससे निकलने वाला कांसेप्ट क्या है और किसी भी एग्जाम में उस पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछता है। किसी भी एग्जाम में चाहे वह कंपटीशन का हो या बोर्ड का हो, कंपटीशन जैसे आपका SSC हो गया, रेलवे हो गया, टेट हो गया, सीटेट हो गया, इन सब में, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए सब बताऊंगा। इसके अलावा भी कई कांसेप्ट आऊंगा। ये माध्यिका का पांचवा लेक्चर है। इसके पहले माध्यिका का चार वीडियो दे चुके हैं। इसके पहले आपको बताए थे मीडियन ट्रायंगल, क्या पढ़ाए थे, मीडियन ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद आपको बताऊंगा कि मॉस पॉइंट थ्योरम। तराजू जानते हैं, तराजू उसमें डंडी कैसे मारते हैं उसी में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। मॉस पॉइंट थ्योरम पहले इसको देखिए, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, गारंटी देता हूं कि समझ में जरूर आएगा, ठीक ना। चलिए अब हम देखते हैं कि पहले ग्राफ देखेंगे, पहले ट्रायंगल बनाएंगे उसमें आपको समझाएंगे, उसके बाद फिर उससे निकलने वाला कांसेप्ट है यहाँ लिख दूंगा आराम से, ठीक ना। फिर उसके बाद उसी पर क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। चलिए एक कोई ट्रायंगल ले लीजिए आप। ये एक ट्रायंगल है, ठीक ना, ट्रायंगल ए है, बी है। अभी देख रहे हैं इससे इस पर माध्यिका, ये माध्यिका मतलब इसे बराबर भागों में बांट दी, ठीक ना। और क्या, और दूसरी माध्यिका ये ले लेता हूं, ये देखिए इसे बराबर भागों में बांट दी, जहां पर काटी है ये क्या समकोण, समकोण मतलब 90 अंश, कहां पे कितने अंश पे, 90 अंश। यहाँ पे इसको मान लेता हूँ 90 अंश, ठीक। ये भी क्या है, टोटल 90 डिग्री, ये टोटल 90 डिग्री है, टोटल 90। इसको मान लेता हूँ ओ, जहाँ काटा उसको क्या मान लेता हूँ ओ, इसको मान लेता हूँ क्या डी, इसको मान लेता हूँ ए, ठीक। ये चीज देखिए, ये बीडी क्या है, माध्यिका है, सी क्या है, माध्यिका है। अब इससे निकलने वाला कांसेप्ट क्या है, कांसेप्ट को सुनिए ध्यान से। जिस भुजा पर माध्यिका है उनके वर्गों का योगफल बराबर जिस भुजा पर माध्यिका नहीं है उनके वर्ग के 5 गुने के बराबर होती है। आप लिखिए करें तो आप पढ़ सकते हैं, तो इस दशा में क्या, देखिएगा भुजा क्या है, माध्यिका है ए बी पर है और क्या है ए सी पर है, तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर। किस भुजा पर माध्यिका नहीं है, बी सी पर, इस पर माध्यिका नहीं है तो इसके वर्ग के 5 गुने बराबर होता है, तो लिखेंगे आप 5 BC²। यही कांसेप्ट है, ठीक ना। तो इसको नोट कीजिए, फिर इस पर आपको हम क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक ना। तो नोट कीजिए, हो गया नोट। चलिए अब आपको इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक ना। एक कोई क्वेश्चन देता हूँ, कोई क्वेश्चन इसे मान लेता हूं, यदि मान लो ए बी, यदि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, यदि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 20, देखो ए बी बीस, ए बी ए सी बी सी, इसमें से किसी दो को मान देगा तीसरे को पूछ लेगा, हम लो ए सी लिख दे रहा हूँ बस, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो बी सी का मान ज्ञात कीजिए, तो बी सी का मान ज्ञात कीजिए, कैसे निकलेगा जान दीजिएगा। यही से और इसको लिख सकते हैं आप, इसे लिख सकते हैं क्या कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बट्टे 5 का अंडर रूट बराबर बी सी, ये अगर बी सी का मान चाहेंगे, ठीक है ना। ये चीज दोनों बातें की, 5 बटे के रूप में आ गया तो यहाँ से स्क्वायर हटा, इस पर क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया, रूट, ठीक है ना। तो आप करेंगे क्योंकि क्या 5 BC² बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है जानते हैं आप। अब चाहे डाट इसका यूज करो या इसका यूज करो, बात देखिए
यहां से करेंगे आप पांच बी सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना है चार है, चार चौक सोलह पच्चीस, सोलह प्लस पच्चीस आया पांच बी सी स्क्वायर, यहां से निकल जाएगा सोलह और पच्चीस कितना हो जाएगा पांच चार छप्पास ग्यारह के तीन एक चार इकतालीस, कितना आ गया इकतालीस इकतालीस। अब ये जो गुणे के रूप में है क्या आ जाएगा बट्टे में आ जाएगा पांच बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बराबर आ गया इकतालीस बट्टे पांच। यहां से निकाल देंगे आप, यहां से निकाल देंगे यही लिख दे कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा होगा बी सी बराबर अंडर रूट इकतालीस बट्टे पांच, ठीक है ना, अलग कर दें बस, ये आपका हो गया आंसर, आंसर हो गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए आराम से, ये पांच है, क्या है पांच, ठीक ये निकल गया यहां से, यहां से यूज करते तो भी आ जाता, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है। एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा कि यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करें तो इस दशा में जिस भुजा पर माध्यिका है उनके भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर, जिस भुजा पर माध्यिका नहीं है उनके वर्ग के पांच गुने के बराबर होती है, वही यहाँ पर लिखा गया है। अब इसी को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ से ए बी बी सी और ए सी किसी का मान तीन में से किसी दो का मान देगा तीसरे का मान पूछ लेगा, तो आप क्या करेंगे इस पर वैल्यू रखेंगे सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक इसे नोट कीजिए, फिर इसके बाद आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ क्या कह सकते हैं, नोट कीजिए पहले इसको आप, चलिए नोट कर लिए। चलिए अब देखिए आपको एक प्रमेय बताऊंगा, वह प्रमेय किसका है अपोनियस का प्रमेय, किसका प्रमेय है अपोनियस का प्रमेय, लिख दिया हूं इसलिए जिससे वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। अब इसको आपको समझा दूंगा और इसी को आप मैथमेटिकल के रूप में लिखूंगा, फिर इस पर आधारित क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक ना। अपोनियस का प्रमेय क्या है एक बार सुनिए, क्या है किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाओं के वर्गों का योगफल, किसी त्रिभुज के दो माध्यिकाओं के वर्गों का योगफल तीसरे भुजा पर डाली गई माध्यिका और उस भुजा के वर्गों के योगफल के दो गुने के बराबर होती है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको पढ़ करके समझ में नहीं आया होगा ना, लेकिन अब समझ आएगा। देखिए एक ट्रायंगल पहले आप बना लीजिए, ये क्या करिए आप ट्रायंगल बना लीजिए, ये क्या है आपका ए बी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक ना। अब इसमें एक माध्यिका भी डाल दे रहा हूं, ये क्या है एक माध्यिका, ये डी मान लेता हूं, ठीक। अब यही है एक त्रिभुज एबीसी, इसमें एक माध्यिका है, कहा है कि किसी त्रिभुज के दो माध्यिकाओं के वर्गों का योगफल, दो माध्यिकाओं के वर्गों का दोहरे, कहा क्या है कहा कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा पर डाली गई माध्यिका और उस भुजा यानी तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के योगफल के दुगने के बराबर होती है, ठीक ना। अर्थात ये लिखिए अर्थात अर्थात लिखेंगे यहां से कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर, देखिए माध्यिका क्या है एडी है, तो लिखेंगे एडी का स्क्वायर प्लस किस भुजा पर माध्यिका है बीसी पर है कि नहीं, तो तीसरी भुजा के आधे के देख रहे ना बीसी क्या है, इसका आधे क्या हो जाएगा बीसी बटे दो, इसका योगफल के दुगुने के बराबर होती है, ये है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है। अब इसी देखो ओ आर आर क्या लिख सकते हैं, यहां देखिएगा यहां पे आप लिख सकते हैं कि बी सी बट्टे दो बराबर का हो बी डी बराबर बी डी या बराबर का ये सी डी, ये जितना ये उतना ये पूरे का आधा ही है ना, है तो आप इसके स्थान पे ये लिखिए या लिखी बात लिखी है, तो यहां से आप कर सकते हैं हमारा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर टू इंटू ए सी स्क्वायर प्लस सॉरी इसी नहीं एडी एडी के स्क्वायर प्लस इसके स्थान पर दे रहा हूं बी डी का स्क्वायर, सुना नहीं आपको।
ये सुन आ रहा है, आ रहा होगा तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चलिए ये था कॉन्सेप्ट, ये क्या था कॉन्सेप्ट। अब इस पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन कुछ भी ले लो, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है ना। इससे मान लेता हूँ क्वेश्चन है कि यदि यदि अभी रिवाइज करा दे रहा हूँ, तो समझ लीजिए, यदि अगर ए बी है, ए सी है, ए डी है, ए डी है, बी डी, इन चारों में से किसी तीन कमान दे देगा, चौथे कमान पूछ लेगा, ठीक। तो हम दे रहे हैं यहाँ से दे क्या दे रहा हूँ कि ए बी बराबर, ए बी बराबर मान लो कितना कितना मान ले, माध्यिका निकालना है, मान ले रहा हूँ कि ए डी निकालना है, बाकी सब दे रहा है, ठीक ना। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तथा तथा कर दे रहा हूँ यहाँ पे बी सी बराबर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ए डी बराबर ज्ञात कीजिए, ए डी बराबर ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लगा सकते हैं ना। अभी यही चीज है जो बी सी है, बताओ अगर यहाँ पे ये रखेंगे तो इसका आधा करना पड़ेगा, ये रखेंगे नहीं, यहाँ से कर देंगे आप क्या, बी डी बराबर 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। अरे भैया पूरा अगर 6 है, अगर इस क्वेश्चन में ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर मान लो, एसी को मान लो, जब इसको 3 कर दे रहा हूँ, इसको 5 कर दे रहा हूँ, इसको 5 कर दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि एसी देख रहा हूँ देखने में बड़ी लग रहा है, इसलिए इसको 5 मान ले रहा हूँ, ठीक ना, इसको 3 मान ले रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 6। तो आप यहाँ पर लगाएंगे, कहेंगे कि चूंकि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 × ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है इस कंडीशन में, तो बैल रखो, ये हो जाएगा ए बी कितना 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 2 × ए डी आपको निकालना है, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी कितना हो जाएगा, देखो रहे ना, बी डी मतलब बी सी का आधा, बी सी का आधा 3 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर, ठीक है ना। अब बताइए 3 के स्क्वायर क्या होता है, 9, और 5 के स्क्वायर 25 हो गया बराबर 2 × ए डी स्क्वायर प्लस 9 प्लस। अब देखिए इसी को हम यहाँ पर दे रहा हूँ, नीचे नहीं तो दिखेगा नहीं, 25 और 9 34, और ये 2 क्या हो जाएगा, बटी में आ जाएगा बराबर ए डी स्क्वायर प्लस 9। अब इससे कट जाएगा 2 × 2, 2 × 17 = 34, 17 बार जाएगा, तो यहाँ से लगा देंगे हम 17 बराबर क्या आ गया, ए डी का स्क्वायर प्लस 9, फिर अगले बार दे रहा हूँ ठीक है, इसके बाद 9 इधर आ जाएगा, आ जाएगा 17 - 9 बराबर ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर 17 में से 9 घटा दो, 17 में से 9 घटा के 8 आएगा, 8 बराबर ए डी स्क्वायर, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, 8 का वर्गमूल ए डी हो गया। अब 8 को आप क्या लिख सकते हैं, फिर देखिए एक स्टेप, 8 लिख सकते हैं क्या, √4/2 बराबर ए डी, 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो आ जाएगा 2√2 बराबर ए डी, ए डी, ठीक ना, ये आपका हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर, ये बस, मतलब आपको सॉल्व करना आना चाहिए, नहीं आता तो बताए हैं, तो सब वीडियो देखेंगे तब अच्छे से जाएगा ना कैलकुलेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन समझने के लिए आपको टोटल वीडियो देखना पड़ेगा, जोड़ते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, वर्ग कैसे करते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घन कैसे करते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, सब बताएं, ठीक ना। चलिए एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ ना, क्या है अपोलियस का प्रमेय, क्या है, इन्होंने बताया कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा पर डाली गई माध्यिका के वर्ग और उस भुजा के आधे, यानी तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के योगफल के दुगने के बराबर होती है।
जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब इसी को इस प्रकार से भी लिख दिए, ठीक। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन ये है, मस्तिष्क क्वेश्चन क्या किए, इसमें वैल्यू पुट आउट कर दिए, उसको साफ कर दिए, आ गया आंसर। तो समझ आ गया हो तो चार सत्रह जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो पहले इसको आप नोट कीजिए, ठीक। चलिए नोट कर लिए। तो अब आप इस वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट आऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किससे संबंधित है? मीडियंस, मीडियम मतलब माध्यिका, माध्यिका से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाता हूँ, एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये क्या हो गया? ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक ना। ये मान लेता हूँ ए है, ये मान लेता हूँ बी, इसको मान लेता हूँ सी। अब ये क्या है? माध्यिका है, क्या है? माध्यिका, ठीक। ये जो कहाँ यहाँ पर काटी, इसको मान लिया डी, क्या मान लिया? डी। और देखिएगा जो ये है आपका, देख रहे ये, ठीक, और दूसरा आपका ये हो जाएगा ये, ठीक, ये चीज। इसको मान लेता हूँ ई, इसको मान लेता हूँ एफ, ये इसे बराबर भाग में बांट दी और ये इसे बराबर भाग में बांट दी, ठीक। जहां पर काटी इसको मान लेता हूँ जी, जी क्यों मानूंगा? केंद्रक पढ़ाऊंगा, केंद्र में, कि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही केंद्रक कहते हैं, केंद्रक को कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे कैपिटल जी मान लिया, ठीक ना। अब यदि इन दोनों को मिला दूं, इन दोनों को मिला दूं, ये यहां पर कटक नहीं, इसे मान लेता हूं ओ, क्या मान लेता हूं ओ, इसे सीधा कर दूं, ओके भैया इसे सीधा कर दे रहा हूं, बोल रहे हैं सर इसे सीधा कर दीजिए ना, बस वो सीधा इसके अंदर पारेंगे तो आपको बहुत ही सीधा बनेगा, ये हो गया। यहां से कॉन्सेप्ट क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा कि ए ओ अनुपात पे ओ जी, ओ जी, ए जी नहीं, ओ जी बोलते नहीं, ए जी इधर आओ नहीं, ओ जी, ओ जी अनुपात जी डी, जी डी ये किस अनुपात में भेद हो जाते हैं? किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिका इस प्रकार है, यदि दो माध्यिकों को मिला दिए तो जो तीसरी माध्यिका होगी, तीसरी माध्यिका किस अनुपात में विभाजित होगी, ध्यान दीजिएगा, तो तीन अनुपात एक अनुपात दो के अनुपात में, तीन अनुपात एक अनुपात दो के अनुपात में, यही चीज है, यही चीज है भैया, यही है, यही है। बस आपको ये याद रखना है इस कंडीशन में यदि किसी दो माध्यिका को मिला दे तो तीसरी माध्यिका तीन अनुपात एक अनुपात दो के अनुपात में विभाजित हो जाती है। अब इससे कई क्वेश्चन पूछेगा, कई क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछता देखिएगा, ये आपको हो गया। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अगर हम बोल दें, अगर हम बोल दें ए डी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो क्या निकालेंगे आप? तो ए ओ बराबर ज्ञात कीजिए, ओ जी बराबर ज्ञात कीजिए, और जी डी बराबर तथा कर लीजिए, तथा जी डी बराबर ज्ञात कीजिए, कैसे निकालें हैं? तो कितना आसान है यार, देखिएगा ए डी, ए से डी तक टोटल कितना अनुपात हुआ? तीन अनुपात ये, एक अनुपात ये, दो अनुपात ये, टोटल कितना अनुपात हुआ? छह अनुपात। इस कंडीशन में आप लिखेंगे क्या? कहेंगे ए डी बराबर, ए डी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया ही है हल में, जब लगाएंगे ए डी क्या अनुपात है ए से डी तक, ए से डी तक तीन प्लस एक प्लस दो, ठीक है, अनुपात में बराबर 12 सेंटीमीटर, तीन एक चार, चार दो छः सेंटीमीटर, सॉरी छः अनुपात बराबर 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक अनुपात मान निकाल लो, आया 12 बटे 6 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर, एक अनुपात मान आ गया 2 सेंटीमीटर। अब बताओ एक अनुपात मान 2 सेंटीमीटर आ गया, तो यहां से ए ओ कितना अनुपात है? तीन अनुपात है,
ए को बराबर तीन अनुपात, ए से ओ तक तीन अनुपात है, ये हो जाएगा क्या 3 × 2 बराबर 6 सेंटीमीटर, हो गया 6, ठीक है। और फिर निकाल लीजिए आप अब क्या ओजी, ओजी बराबर एक अनुपात मान कितना है 2 सेंटीमीटर, लो ओजी भी आ गया। तथा जीडी निकाल लो, जीडी बराबर क्या अनुपात 2 अनुपात, अगर 1 अनुपात मान 2 है तो 2 अनुपात मान क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए ये आपका आ गया 2 × 6 सेंटीमीटर, 2 × 2 = 4 सेंटीमीटर, ये तो आया निकल गया ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो लगा सकते हैं ना। चलिए ये इस पर आपको होमवर्क दूंगा, ये कभी आपको इस पर होमवर्क फिर से एक बार इसे आप देख लीजिए, ठीक है ना। क्या लिखेंगे कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं तीनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हैं, कर दें, इस कंडीशन में किसी दो माध्यिकाओं को मिलाने पर तीसरी माध्यिका 3:1 / 2 में विभाजित हो जाती है। हाँ, इस देख रहे हैं आप कि 2 × 4 = 6 हुआ और ये अकेले 6 है, अर्थात इस कंडीशन में जो ये है ये भी क्या है माध्य बिंदु, इसका माध्यिका का एडी का माध्य बिंदु क्या है ओ है, जितना ये होगा उतना ही होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक जो है 3 अनुपात है, है कि नहीं, और यहाँ अनुपात में और यहाँ से यहाँ तक जो है 1 अनुपात है, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 अनुपात है कि नहीं, यानी ये पूरा 6 है, ये 2 और ये 4, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अर्थात 6 ये है 6 ये, देख रहे हैं आप। तो ये आपका जो ये होगा ये मध्य बिंदु होगा, जितना ऊपर उतना नीचे होगा, बस ये बढ़ जाएगा 1:2। एक कॉन्सेप्ट आप और पढ़े हैं आप हम बताए हैं, क्या बताए हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार नोट के लिए। चलिए देखिए, इसके पहले जो आपको हम कॉन्सेप्ट बताए थे, कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान सुनिएगा। जैसे कोई एक ट्रायंगल है, एक कोई क्या है ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल देख रहे हैं आप, ये ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसे सी मान लेता हूँ, ये पी क्यू आर मान लीजिए, ये इसकी माध्यिका है, ठीक, और ये जो है इसकी माध्यिका है, ठीक, और ये जो है इसकी माध्यिका है। इस कंडीशन में आप बताए थे एक क्या कि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्ष से 2 और आधार से 1 के अनुपात में विभाजित होती हैं, बताए थे ना, यानी ये आपका 2 अनुपात हुआ और ये क्या हुआ 1 अनुपात, ये बताए थे शीर्ष से 2 और आधार से 1 के अनुपात में विभाजित होती है, ये बताए थे। तो वही चीज यहाँ भी कर सकते हैं आप कि ओ ए, अगर इसको 2 लेते हैं ये 1 हो जाएगा, देख रहे ना, अगर यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से भैया कर सकते हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन कर दें, अगर ए जी 2 अनुपात है, ए जी बराबर 2 अनुपात है, ये भी तो सकता है, और जी डी क्या है 1 अनुपात, यानी अगर यहाँ से यहाँ तक जितना है उसका आधा यहाँ पे अनुपात, तो क्या करेंगे अनुपात में ध्यान दीजिएगा, अगर इससे निकालेंगे ये क्वेश्चन तो 3 × 12 = 4, यानी 4 × 4 = 4 हो गया और 4 × 8 8 ये हो जाएगा और 4 ये, तो इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ को ये कितना 6 है, ये 2 है, 6 × 2 = 8 और ये क्या है 4 है, ये भी तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन इसको आपको यहाँ पर नहीं लगाना है, इसको जहाँ पर लगाना है वहाँ पर लगाना है, ठीक ना, इस कंडीशन में आपको ये लगाना है 3 × 1 = 2, ठीक, इसे नोट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।